वाली तक हर दिन कुछ ऐसी जानकारियां आपको दी जाएंगी जिन्हें अपनाने के बाद धन भी आपके घर आएगा, बेशुमार धन दौलत के साथ साथ सुख समृद्धि का वास भी आपके घर में होगा, क्योंकि ये तमाम चीजें तभी आपको मिल पाती है जब धन की देवी जो माँ लक्ष्मी है आपसे प्रसन्न होती है। आज हम आपको बताने वाले कि घर के किस स्थान पर आपको कौन सा खास चिन्ह अंकित करना है या कह लीजिए चिन्ह बनाना है, क्योंकि धार्मिकता के तौर पर देखा जाए तो धार्मिक चिन्ह जो होते हैं वो बहुत ही शुभता के प्रतीक माने गए हैं। आचार्य जी, कैसे ये चिन्ह है हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, आज का जो विषय है इसके बारे में आप बताएं। देखिए, आज का जो विषय है हमारा यही है कि धार्मिक चिन्ह हम अंकित करते हैं, बहुत सारे चिन्ह है, धार्मिक मान्यताओं को लेके है, विश्वास है, एक परंपरा है, लेकिन ये चिन्ह कहाँ पे अंकित करना चाहिए। लाभ तो देता है, ऐसा नहीं कि ये चिन्ह आपको लाभ नहीं देता, और ये चिन्ह अपने आप में किसी विशेष चीज का संकेत भी है, और हम आपको बताएंगे कि कोई भी चिन्ह अंकित करें तो उसकी विधि क्या होनी चाहिए बनाने की, कैसे बनेगा और कहाँ पे अंकित करना चाहिए, और साथ ही साथ हम आपको आज का दिव्य स्तुति भी सुनाएंगे। जी हाँ, सीक्रेट नंबर भी आपको दिया जाएगा आपके मूलांक के अनुसार, जो आपके भाग्य को एकदम से बढ़ाता है। सीक्रेट नंबर के लिए आप थोड़ा सा कीजिए इंतजार। राशिफल कल के दिन का राशिफल, यानी कल का दिन आपका कैसा रहेगा, आज ही के दिन आप जान जाएंगे कल के दिन की महिमा, और साथ ही साथ महिलाओं को सम्मान कैसे मिले। सम्मान मिलेगा, लेकिन इसके लिए खास प्रयोग है आपसे है हम में, पर उससे पहले बात करेंगे दिव्य स्तुति के बारे में। स्तुति बहुत ही खास है आज की भी, तो अपने आंखों को बंद कीजिए, हाथों को जोड़िए और ध्यान से सुनिए दिव्य स्तुति। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मतलब कि जब तक विवेक जागृत नहीं होता, मोह भ्रम जब तक खत्म नहीं होता, तब तक श्री रघुनाथ जी के चरण में आपका नित्य ध्यान नहीं लगता, और जब उनके चरण कमल में ध्यान लग जाए, भगवान राम के शरण में आप चले जाए, तो मोह भ्रम ये जितनी चीजें हैं सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, और खुद को अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर देना चाहिए। जी हाँ, कौन सा चिन्ह आप घर में कहाँ पर बनाएं ताकि आप घर में शुभता आए और विशेष लाभ आपको हो, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, विकास जुड़े हैं सतारा महाराष्ट्र से। जी, आपका स्वागत है शो में विकास जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। आचार्य जी, मेरे को एक क्वेश्चन करना था। मेरा जन्म प्लेस है। हेलो। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। मैम, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13/2/1983। जी, समय। समय मैम 7:55 सुबह का। और प्लेस मैम? जन्म का स्थान? जन्म स्थान सातारा डिस्ट्रिक्ट में कासवंड, विलेज कासवंड है मैम, सातारा डिस्ट्रिक्ट। क्या सवाल है विकास जी आपका? मैम, मेरी जॉब कब तक लगेगी, और विदेश जाने का मेरा योग कब तक आएगा, और मेरा फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। जी, देखिए, कुंभ लगन की कुंडली बनती है, कुंभ राशि बनती है, सूर्य सूर्य और चंद्रमा का जो योग है लगन में ही है, अमावस योग बनता है। बृहस्पति की महादशा मंगल की अंतरदशा चल रही है, और मंगल की अंतरदशा बहुत उलझन लिए हुए है, कारण कि सूर्य और मंगल कभी भी एक साथ बैठते हैं तो बहुत उतार चढ़ाव देते हैं जिंदगी में, व्यवसायिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, पर्सनल लाइफ में भी। तो ऐसी स्थिति में जॉब की अगर बात करें तो 14 जनवरी 2017 के बाद उपयुक्त समय है जॉब का, और रही बात विदेश की, तो विदेश के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। उपाय बता रहे हैं, जरूर कीजिए, लाभ होगा। भगवान विष्णु की स्तुति किया करें। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता रहे हैं कि प्रत्येक बुधवार के दिन आप क्या करें कि चमेली का फूल होता है, उसकी माला, चमेली की फूल का माला भगवान विष्णु को समर्पित कीजिए प्रत्येक बुधवार को। इसका लाभ देखिए, जिंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। जी हाँ,
और चलिए अब हम आपको अपने विषय के बारे में बताते हैं। जो भी चिन्ह बनाए जाते हैं उनका अपना एक विशेष महत्व होता है, शुभता के प्रतीक माने गए हैं, लेकिन किस चिन्ह की क्या महिमा है और किस जगह पर बनाने से क्या लाभ आपको मिलेगा, क्या प्रभाव आपके जीवन का पर इसका पड़ेगा, ये जानकारी आज आप प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य जी, हम श्री का जो चिन्ह है अपने घर में बनाते हैं, लेकिन जानना ये चाहेंगे कि इस चिन्ह की महिमा क्या है, इसे घर में कहाँ बनाना चाहिए, क्या प्रभाव पड़ेगा और लाभ क्या होगा, ये बिल्कुल। देखिए, अगर हम श्री की बात करें तो श्री लक्ष्मी को बोला जाता है, क्योंकि श्री के बिना कुछ भी नहीं है और श्री लक्ष्मी का कारक है ये चिन्ह। और श्री कभी भी कुमकुम और गाय के घी और हल्दी को मिलाकर ही बनाना चाहिए। जहां पे धन रखते हैं तिजोरी में, वहां पे धन के स्थान पर लगाएं ये चिन्ह, अंकित करें श्री। धन की स्थिरता रहेगी, लाभ बहुत बड़ा होता है कि लक्ष्मी आती तो है लेकिन रुकती नहीं है, तो इससे क्या होगा कि स्थिरता रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति सदैव मजबूत बनी रहेगी। सिर्फ ये मतलब ये लक्ष्मी का बीज मंत्र भी है श्री, तो इसको एकदम आप पवित्र मन से अंकित करें। जी हाँ, तो आर्थिक स्थिति को आप मजबूत करना चाहते हैं तो श्री जो चिन्ह है इसे आप अंकित कीजिए खास जगह जहां आपको बताया गया है। अब हम बात करेंगे, जय श्री जुड़ी है हमारे साथ जलगांव से, जेएनकेवी नाम में श्री आया है। बिल्कुल बिल्कुल, जय श्री जी, आपका स्वागत है शो में। जय श्री जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार जय श्री जी। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। जी, मुझे अपने बारे में पूछना था। जी बताएं, जन्म की तारीख। हाँ, मेरी जन्म की तारीख है नवंबर, 22 नवंबर 1990। 22 नवंबर 1990। जी, समय शाम के 8 बजे। और स्थान? जन्म स्थान है जलगांव। जलगांव, क्या सवाल है जयश्री आपका? पंडित जी, मैंने एक तरफ लेक्चरर का जॉब किया था तो उसकी मेरी सैलरी अटक गई, वो लोग सैलरी मेरी दे नहीं रहे, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए और मेरी शादी कब होगी और मेरा गवर्नमेंट जॉब लगेगा या नहीं लगेगा, ये सब पूछना था। सैलरी नहीं मिल रही है आपको? बिल्कुल, बताते हैं। मिथुन लगन की कुंडली बनती है, मकर राशि बनती है, राहु की महादशा, शनि की अंतरदशा चल रही है। और जो सैलरी की बात करें तो देखिए, जनवरी के पहले तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आपको उपाय बता दे रहे हैं, जरूर कीजिए, इससे क्या होगा कि रुका हुआ जो धन है आ जाएगा। भाई, आपका धन है ये रुक गया है, क्या करें कि संध्या के समय में आप माँ तुलसी के समक्ष 2 दिए जलाएं, मिट्टी के दिए होने चाहिए, 2 दिए होने चाहिए, दियों का दिशा पश्चिम की ओर होना चाहिए और वहां पे बैठ के आप ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का 27 बार जाप कीजिए और ये कार्तिक पूर्णिमा तक कर ले जाइए, काम हो जाएगा आपका। जी हाँ, और ऐसा करने से सैलरी भी आपकी आ जाएगी। बिल्कुल। अब हम बात करेंगे राहु काल के बारे में, अशुभ समय होता है, नोट कीजिए कल के दिन का राहु काल, और अच्छा समय गुलिक काल भी। बात करेंगे राहु काल की, कल दिन बुधवार रहेगा और कल का जो समय रहेगा वो राहु काल का दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक का समय है। ये वो काल है कि इसमें कोई भी कार्य करते हैं अड़चने आती हैं, उलझते हैं, इस काल से बचिए। गुलिक काल की बात कर लेते हैं, शुभ समय नोट कीजिए कल 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक ये समय रहेगा। ये वो समय है कि अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर डालिए, इस समय में शुभ समय है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे लखनऊ से, हमारे साथ भावना जुड़ गई है। भावना जी, आपका स्वागत है शो में। नमः शिवाय। हेलो जी, जी नमस्कार नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ, मुझे अपने भांजे के बारे में पूछना है। जी जी बताएं, जन्म की तारीख? और 5 फरवरी 2008। 5 फरवरी 2008। अच्छा, और समय? समय शाम के 5:35। और स्थान? बर्थ प्लेस लखनऊ। क्या सवाल है भावना जी आपका? मैम, वो बच्चा हमारा मतलब जो है वो पढ़ाई तो करता है लेकिन स्कूल में जब लिखने को होता है तो वो कुछ लिख नहीं पाता ठीक से, और थोड़ा शैतान टाइप का चंचल है। जी। अच्छा, शैतान टाइप का चंचल। और उसने गले में एक जैसे कि हमने उसको चंद्रमा पहनाया हुआ है। जी जी, जी।
देखिए कर्क लगन की कुंडली है, मकर राशि बनती है और पढ़ाई लिखाई में तो ठीक है, अमावस योग बनता है कुंडली में, लेकिन फिर भी पढ़ाई लिखाई में सही है। विद्वानों का ये संकेत है कि लिखते कम है सोचते ज्यादा है, तो मान के चलिए आपका बच्चा विद्वान है, लेकिन फिर भी चंद्रमा की स्थिति में जब तक चंद्रमा चलेगा तब तक थोड़ा सा ऐसे रहता है। बहुत क्रिएटिव माइंड के बच्चे होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। निश्चिंत रहिए, ये कोई समस्या नहीं, चंद्रमा आपने सही पहनाया है क्योंकि कर्क लगन की कुंडली में बच्चों के लिए चंद्रमा पहनाना चाहिए। और आपको एक और उपाय बता रहे हैं, ये करवाइए, थोड़ा सा सुधार होगा जैसा आप चाहती हैं। क्या कीजिए कि बच्चे के हाथ से अन्न का दान करवाइए, चावल का दान करवाइए प्रत्येक सोमवार, 1.25 किलो कम से कम चावल हो, और ये किसी ब्राह्मण को किसी शिक्षक को ये दान करवाइए, इससे लाभ होगा। बिल्कुल। और आसाम से हमारे साथ दीपांकर जुड़े हैं जी, आपका स्वागत है शो में। दीपांकर जी आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? नमस्ते मैडम। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ हाँ पुत्र है। अच्छा बताएं जन्म की तारीख। अच्छा, पंडित जी हमारा सवाल है दीपांकर जी, हमारा डेट ऑफ बर्थ है बताएं। सितंबर जी, सन 1982 जी, समय आसाम लामडिंग, लामडिंग आसाम, 6:30 बजे, 6 से 6:30 बजे के बीच में सुबह का जी जी। क्या सवाल है दीपांकर आपका? हमारा सवाल है, हम तो अभी बेकार हम तो अभी बेकार है, हमारा कोई कामकाज नहीं है जी जी। अच्छा देखिए, सिंह लगन की कुंडली है, मीन राशि बनती है, शुक्र की महादशा शनि की अंतरदशा चल रही है। अब जो समय आ रहा है 1 मार्च 2017 से बहुत बढ़िया समय आ रहा है, आप कोई ना कोई काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और रही बात कि ये जो समय आपका जो बेकार वाला समय है निकल जाए, इसके लिए हम आपको यहाँ पे ये जरूर कहेंगे कि प्रत्येक मंगलवार के दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया करें। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन अब वो समय आपके लिए लगेगा, तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और लाभ पाएं। बिल्कुल जी हाँ, फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर अब एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल हम बात करेंगे घर के नैऋत्य दिशा के बारे में, हम आपको बताएंगे कि जो ये दिशा होती है इसका सीधा सीधा संबंध दो ग्रहों के साथ है, एक है राहु और दूसरे है केतु। बिल्कुल, ये दिशा अगर दूषित हो जाए तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आपको देखने को मिल जाती हैं। चाहते हैं ये दिशा का इस दिशा से शुभता आप प्राप्त करें तो इसके लिए कुछ खास जानकारी कल सुबह 8 बजे आपको दी जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। एक हसीना जो दीवाना बना है, काश वो मुझे मिल जाए, कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। अब ना होगा KYC का झंझट और ना मार्जिन पेमेंट का। सर आपका चाय। और भाभी जी कैसे हैं? हम मायके में हैं, ठीक ही रहती है वो। और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। इसी को कहते हैं डब्बा। डब्बा गुल, उनकी ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी दे रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि हमारे घर में शुभता घर में लेकर आने के लिए हम शुभ चिन्हों को बनाते हैं। हम मुख्य द्वार पर भी कुछ चिन्हों को बनाते हैं और कुछ चिन्ह हम देखते हैं कि मंदिर में भी बनाए जाते हैं। बिल्कुल, हर चिन्ह की अपनी खासियत है और खास स्थान पर बनाने से हमें कुछ लाभ हो रहा होता है। जैसे ओम चिन्ह, ओम तो हर मंत्र में भी ओम का उच्चारण होता ही होता है, लेकिन इस जो ओम है ये चिन्ह आप कहाँ बनाएं और इससे क्या लाभ होगा, ये जानकारी हम आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो चलिए इन्हें अब हम लगाएंगे कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी आपका स्वागत है शो में, अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। लकी कॉलर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, लगता है इसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इससे पहले हम काम करते हैं, शर्मिला जुड़ी हैं दिल्ली से, उनसे पहले बात कर लेते हैं। शर्मिला जी स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार शर्मिला जी। नमस्कार जी आचार्य जी। जी जी नमस्कार नमस्कार। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 1991। 5 अगस्त 91 और समय? समय 2:26:25 दिन के। और प्लेस? प्लेस दिल्ली। क्या सवाल है आपका? मेरी बेटी प्राइवेट जॉब कर रही है, वो जॉब कब तक करेगी, उसकी शादी लगन कब तक बन रहा है और उसके बाद उसकी शादी की लाइफ कैसी रहेगी? जरूर देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली बनती है, वृषभ राशि है, राहु की महादशा चल रही है। शादी की बात करें तो 8 अगस्त 2017 के बाद बन रहा है, अच्छा योग बन रहा है क्योंकि राहु में शुक्र आ जाएंगे, शुक्र सप्तमेश है, शादी हो जाएगी। रही बात जॉब की, तो जॉब में निरंतरता तो अभी नहीं दिख रहा है, फरवरी में कुछ अच्छा बदलाव आ रहा है तो इन्हें वो बदलाव कर लेना चाहिए। सारी चीजें सही हो जाए इसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, इनको मूंगा पहनना चाहिए, मूंगा बड़ा लाभ करेगा, कम से कम 7.25 रत्ती का मूंगा। और साथ ही साथ इनको दुर्गा मंदिर में प्रत्येक मंगलवार संध्या के समय में दुर्गा जी का मंदिर हो, काली जी का मंदिर हो, घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए, उससे शादी का भी योग जल्दी बनेगा और नौकरी में भी बरकत मिलेगी। जी हाँ, और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किस खास सामग्री से आपको ओम चिन्ह बनाना है और अपने घर में इस चिन्ह को कहाँ अंकित करना है और इस ऐसा करने से आपको क्या कुछ लाभ होगा, आइए बताते हैं। बात करें ओम की, तो ओम शब्द अपने आप में ब्रह्मांड का स्वर है, ब्रह्मांड का शब्द है और बिना ओम के कोई मंत्र कंप्लीट नहीं होता, धर्म का चिन्ह माना गया है इसको। अगर ओम अंकित करना हो तो सबसे पहले इसको बनाने की विधि होती है, आप केसर कुमकुम और गंगाजल मिलाकर ओम कहीं भी बनाए, विशेष तौर पे पूजा स्थान में ओम जरूर लगाना चाहिए। अगर किसी मंदिर में बना दें या घर के मंदिर में मंदिर के ऊपर ओम जरूर अंकित करें, इससे लाभ क्या होगा कि व्यापार में नौकरी में आपके कामकाज में बरकत तो होती होती है, आपसी संबंधों में मधुरता होती है, पड़ोसियों से संबंध मजबूत होते हैं, जहां भी जाएंगे आपका प्रभाव अच्छा रहेगा, जीवन के प्रत्येक पहलू में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्यों कि ब्रह्मांड का शब्द है ओम। जी हाँ, ओम जो शब्द है, ओम जो चिन्ह है, आपको कैसे तैयार करना है, कहाँ बनाना है और क्या लाभ है ये आपने जाना। लेकिन आगे हम आपको स्वास्तिक के बारे में बताएंगे, बहुत ही शुभ चिन्ह माना गया है स्वास्तिक। बिल्कुल, इसे कहाँ आपको बनाना है और लाभ क्या है जानकारी आगे, पर उससे पहले बात कर लेते हैं लकी कॉलर से। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, आपका स्वागत है शो में, अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। हेलो जी। हाँ मैं मालती बोल रही हूँ, मैडम दिलिया से। मालती जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं दिलिया से बात कर रही हूँ मैडम। दुलिया से बात कर रही हैं आप जी? हाँ जी, बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। हाँ बहुत अच्छा लगा मैडम जी, लकी कॉलर बहुत दिन से ट्राई कर रही थी, बहुत खुश है मैं लकी कॉलर बन के आज। जी तो बताएं मालती जी, आप किन के बारे में जानना चाहती हैं? मुझे मेरे बेटे के बारे में जानना है मैडम जी। जन्म की तारीख? जन्म की तारीख है 15/12 जी 1992 जी। समय? समय सुबह का 9:40। और स्थान? स्थान दुलिया में है मैडम।
धुलिया जी, क्या सवाल है आपका? क्या मैम सवाल पूछे अपने आप? हाँ हाँ, उनकी शादी हो गई मैम, लेकिन मेरे तीन क्वेश्चन है मैडम। उनकी शादी हो गई, वो शादी के बाद खुश नहीं मैडम, यानी मतलब उनसे जमती नहीं मेरी। अच्छा, उनकी जमती नहीं मैडम, आपस में जमती नहीं है उनकी, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है। हाँ हाँ हाँ, पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है। और दूसरा सवाल है कि वो जॉब के बारे में, गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी जरा जी बिल्कुल। हेलो जी, सुन रहे हैं जी, समझ गए। सरकारी नौकरी जॉब है या नहीं मैडम, उनके ग्रहमान के हिसाब से जी। और तीसरे क्वेश्चन है कि वो उनके संतति के योग कैसे रहेगा, वो संतान सुख के लिए? हाँ हाँ, संतान सुख है या नहीं जी। जी बिल्कुल, बताते हैं। मकर लगन की कुंडली बनती है और सिंह राशि है, सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य की दृष्टि संतान भाव पे है, लेकिन संतान भाव में केतु है, सूर्य के साथ राहु बैठे हैं, पितृ दोष का भी निर्माण होता है, सूर्य ग्रहण दोष का भी निर्माण होता है, सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य की महादशा जब तक चलेगी, क्योंकि अष्टमेश सूर्य है, और सूर्य की महादशा में बहुत धीरज से काम लेना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ बनते बनते आप लोगों की अपनी गलतियों से बिगड़ सकता है। उपाय बता रहे हैं, रविवार के दिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है, पीपल के पेड़ के नीचे सुबह घी का दीपक जलाना है, मिट्टी का दिया होना चाहिए, पूरब दिशा होना चाहिए, और आप खुद मतलब रोज सुबह भगवान सूर्य को जल समर्पित करें, और रविवार के दिन कुछ मीठा बनाकर, चाहे खीर बना लें चाहे हलवा बना लें, गरीबों में बांटें, अंधे बच्चों में बांटें, उससे लाभ होगा। Yeah. फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं। आज तो हम आपको बता रहे हैं कि दिवाली तक आप अपने घर की सफाई जब करेंगे तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, जैसे शुभता के लिए चिन्ह बनाए जाएंगे, वैसे ही घर में रंगोली भी तैयार की जाती है। कौन सी खास आकृति आप बनाए, रंगोली जो है कैसी होनी चाहिए, ताकि आपके जीवन में जो भी आपकी इच्छाएं जो अधूरी रह गई हैं वो इच्छाएं एकाएक पूरी होती चली जाएं, अहम जानकारी कल दोपहर 2 बजे आपको दी जाएगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद।
समाजवादी पार्टी से बर्खास्त हुए चारों मंत्रियों की हो सकती है वापसी। सीएम अखिलेश यादव ने किया था बर्खास्त। दोबारा मंत्री बनने पर बोले शिवपाल, नेताजी के आदेश का करूंगा पालन। रामगोपाल यादव का मुलायम पर हमला, अखिलेश की लोकप्रियता से हो रही है जलन, मुलायम नहीं चाहते आगे बढ़े अखिलेश। अमर पर बोले रामगोपाल, असली सिक्के पर भारी पड़ा खोटा सिक्का। पाकिस्तान के क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर आतंकी हमला, 60 जवानों की मौत, 118 घायल, दो हमलावरों ने खुद को उड़ाया। पाकिस्तान ने मसूद अजहर समेत 5100 आतंकियों के बैंक अकाउंट किए फ्रीज, खातों में 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी रकम। बर्ड फ्लू को लेकर दिल्ली सरकार ने जारी की हेल्थ एडवाइजरी, अतपका चिकन और अंडा ना खाने के निर्देश। राजधानी में 64 पक्षियों की मौत से बड़ा बर्ड फ्लू का खतरा। इलाहाबाद में एक शख्स की भूख की वजह से मौत, कई दिन से नहीं जला था घर में चूल्हा, खाना ना मिलने की वजह से था बीमार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम आपको बता रहे हैं कि दीपावली तक हर दिन कुछ ऐसी ऐसी जानकारियां आप तक दी जाएंगी जिन्हें अपनाने से आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। घर में सुख संपन्नता, वैभव, ऐश्वर्य, ये तमाम चीजें आप हासिल कर सकते हैं, वो भी कुछ खास छोटी छोटी चीजों के जरिए। जैसे कि आज हम आपको बता रहे हैं कि कुछ शुभ चिन्ह हैं जिनको अगर आप अपने घर में बनाते हैं, खास दिशा में और खास सामग्री से अगर बनाते हैं तो इसका आपको लाभ होगा ही होगा। आगे आपको बताएंगे कि स्वास्तिक तो यूं हम जरूर बनाते हैं, मुख्य द्वार पर भी, मंदिर में भी हम स्वास्तिक चिन्ह को अंकित करते हैं, लेकिन इसे बनाने की भी खास